थे प्रेमी साहित्य के गजलों के से था प्यार सबके हित में आपका था सुमधुर व्यवहार वाह वाह शुभ समाज चिंतक रहे दुखियों के आधार मददगार हर शख्स के थे सच्चे मुक्ता श्रद्धांजलि दे रहा साल निभाता प्री सबकी जग में रुखती यही नियम यह रीत कभी सम्मेलन हो रहा याद में उनके आज हम सभी महफिल सुने करते हैं आगाज तो बंधुओं चार लाइन मैंने ये जो लिखा तो मैं जहां जाता हूं अपना परिचय देता हूं। सन 1962 इस वक्त मैं 83वें में कदम रख चुका हूं। तो श्याम नारायण पांडे ने हमारा नाम रखा था सांस। तो लोगों ने कहा कि हमने कहा गुरु जी आप ऐसा नाम रख रहे हैं लोग क्या कहेंगे। अरे नहीं 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 तुम बाबा भोलेनाथ के वाहन हो ये उनके पुत्र के समान। बंधुओं जब से मैंने आज 60 वर्ष हो गया कविता करते करते कितने लोग आए कितने लोग गए अब आने जाने का मन नहीं करता। अब बनारस के बाहर कम जाता हूं लेकिन अमेरिका की जो बात आई तो मैं बता रहा हूं आपको कि मैं वहां वाशिंगटन डीसी में कविता पढ़ा। दो जोड़े उठे उन्होंने कहा कि मैं भारतीय कवियों से निवेदन करूंगा कि वो क्लिंटन और लेवेस्की पे कविता पढ़े। हमसे उम्र के कम लोग थे जो युवक थे हमने कहा भैया जवाब दो। वहां 1.5 घंटे के बाद अंतराल के बाद फिर लंच हो जाता था वो चाय पानी होता था फिर 3 घंटे का प्रोग्राम होता था। कई शहरों में यात्रा करने का अवसर प्राप्त हुआ तो कहा कि गुरु आपका जवाब दो। हमने कहा भाई आप लोग श्रृंगार रस के कवि हैं आप जवाब दीजिए मैं कहां से जवाब दूंगा। लेकिन कहा नहीं गुरु आप दे सकते हो। तो मैंने जवाब देने का प्रयास किया डॉक्टर चोरों को चोरों साहब को साहब गुनी को सदा ही गुनी पहचाने एक दीवानी को माने दीवाना और दीवाना दीवाना ही जाने क्लिंटन और लेवेस्की का मामला भारत का पशु सौर क्या जाने क्लिंटन और लेवेस्की का मामला भारत का पशु सौर क्या जाने प्रेमी तो आज सभी यहाँ बैठे हैं इष्ट की बात है इष्ट ही जाने तरीके से कहते हम जान छोड़ा दिया। तो ये होता है और वहां जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर थी 110 मंजिल बिल्डिंग थी उस पर मैं चढ़ गया 2001 की बात और 6 महीने के बाद धराशाही हो गई। लोग कहने लगे कि गुरु कैसा चढ़े यार कि ये बिल्डिंग धराशाही हो गई। तो मैंने कहा कि बंधुओं मैं बताऊंगा आपसे कि ये अमेरिका ने जो किया है इस पर कविता लिखने का प्रयास किया मैंने और ये काफी लोगों ने इसकी सराहना की कि सेंट्रल ट्रेड में आग लगी सेंट्रल ट्रेड में आग लगी सत मंजिल बिल्डिंग झूल गई है पैरी की हिम्मत देख बढ़ी अमेरिका की सांस भी फूल गई है सारा घमंड है चूर हुआ करीमा महिमा सब धूल भई है जैसे को तैसा मिला अमेरिका की दादागिरी सब भूल गई है भारत रोता रहा कई साल से आतंकवादी सताए रहे हैं और सब अमेरिकी उपासक शासक मेरा ही दोष बताए रहे हैं क्लिंटन से कर जोर कहा पर क्लिंटन भी असहाय रहे हैं अबूस में घूस गया जब मूस तो बाप रे बाप चिल्लाए रहे हैं। छोटा सा बूंद तालिबान आज देख रहे हैं अफगानिस्तान में उसकी क्या व्यवस्था कर रहा देख। तो बंधुओं मैंने ये लिखा कि आपका साण जहां भी पहुंचता है
होता है दिव्य वहां का नजारा। हुंकारता है घुंकारता है पुरपेटता है यह साण करारा। काशी का साण अमरीका में जाके सेंटर टावर में सिंह मारा। सत मंदिरा बिल्डिंग ध्वस्त हुई बदनाम हुआ लादेन बेचारा। क्या बात है वाह। और मैं चढ़ गया इसलिए गिर गया। कहने का ये है चकाचक बनारसी ने यहाँ टोलिया साहब वो थे जिला मजिस्ट्रेट, तो उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कवि सम्मेलन रखा था। चकाचक ने लिखा ये हर आदमी परेशान हो हर आदमी त्रस्त हो मारा पटक के जे कहे 15 अगस्त हो। तो अब कहने लगे कि अरे पंडित जी ये बताइए सरकारी आयोजन है क्या कह रहे हैं। तो हमने कहा कि हम जरा सा इसको पंडित के शब्दों पे कहने का प्रयास कर कि एक से एक है लीडर देश में छूटा है देश को खाए चबाए और चाहे तो वस्त्र उतारे शरीर से चाहे लंगोटी हमें पहनाए। पावन पर्व है आज तिरंगा इन्हीं के करों से चलो फहराए। 1 अगस्त ने सागर सूखा है 15 अगस्त से राम बचाए। हमारे अगस्त मुनि ने सागर को पी लिया था। यहाँ 1 साथ 15 आ रहे हैं भगवानों से रक्षक। बंधुओं कविता ऐसे ही लिखा जाता है। मैं कानपुर में कवि सम्मेलन था जिसका नाम था गदहा कवि सम्मेलन। आप जानते गदहा माने क्या होता है। गद माने रोग हा माने हरने वाला। असल में वो है गदहा लेकिन लोग कहते हैं गदहा तब उसका अर्थ बदल जाता है। जब हमको लोगों ने कहा कि साण आए हैं तो वो कहने लगे अरे इस गदहा सम्मेलन में साण का क्या काम है। हमने कहा यार इसका जवाब देना चाहिए। मैंने कहा क्षत्रिय की कविता की जर जर हुई हो आप मुझको लगाए मैं तो लंबा चौड़ा चाल हूँ। सज्जन तो कहेंगे कि कवि आया काशी जी से दुर्जन जी तो सोचेंगे कि कवि नहीं डाण हूँ। श्रील असलील सच आप चाहे जो भी कहे हास्य रस का मैं एक पावन प्रमाण हूँ। और सब गदहे जुटे हैं यहाँ भाई लोग उन गदहों के बीच मैं ही एक साण हूँ। तो जवाब भी हो गया भाई। तो ऐसे ही जवाब होता है। हमारे मोहल्ले में राम नारायण श्रीवास्तव रहते थे बड़ा अच्छा छंद याद आ गया। तो उनकी माता जी और उनकी पत्नी में रोज झगड़ा होता। तो उन्होंने कहा कि गुरु जी हम किसका किसकी तरफदारी करें। हमने कहा यार तुमको बहुत अच्छा काम कर रहे हो ना हम माँ की तरफ बोल पाते हैं न पत्नी की तरफ बोल पाते हैं। तो हमने कहा इस पर कविता लिखी जानी चाहिए। एक माता पुत्र की परीक्षा लेना चाहती थी पूछा बेटा हमें बहू और मैं एक साथ यदि डूबती हूँ सच बोलो उनमें से किसे तू बचाएगा। बहू ने कहा कि पिया सास को बचाए आप। सास बोली तब कौन तुमको बचाएगा। बहू ने कहा कि मेरी चिंता सास जी न करे मुझको बचाने तो मोहल्ला चला आएगा। अगर कोई युवती डूबती हो तो सैकड़ों लोग हेडर मार जाएंगे। एक पुराना शेर है कि साहिल के तमाशाही हर डूबने वालों पर अफसोस तो करते हैं इमदाद नहीं करते। कोई डूबता हुआ जा रहा है तो कोई कूद के बचाने नहीं जाता है रात पता नहीं किसके घर का है इतना ही कह दिया। बंधुओं हम संयोजक मंडल में जो सबसे छोटे हैं उनको एक छंद हिंदी का बहुत बढ़िया है आप सुने सुहाग रात। आजकल ऐसा होता है हम लोगों के जमाने में जब विवाह होता था माँ बाप जो तय कर देते थे उसी को हम लोग झेल लेते थे। आजकल चार चार 5-5 बार देखते हैं बात करते हैं तब विवाह होता है।
और पढ़ी लिखी लड़कियां आती है इतना अच्छा। एक वकील साहब ने पहले सुहाग रात वाले दिन अपनी पत्नी से पूछा कि जो कुछ पूछूंगा सच सच बताना, उसने सच बता दिया, दूसरे दिन तलाक हो। तो बड़ा तो फिर ढक से शब्दों में कहना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जोरदार तालियां, थोड़ा सन्नाटा टूटे भी। रात थी सुहाग की, कहा पति ने पत्नी से, प्यारी तेरा दांत लगता कि जैसे मोती है, हिरनी समान तेरी बड़ी बड़ी आंख, मेरे दिल में उतर कर प्रेम बीज बोती है, मैं रहा विवाह पूर्व कई औरतों के साथ, बोलो तुम पर भी है क्या ऐसी वैसी बीती है, बोली पत्नी की नाथ बिना सब गुण मिले, तू भी कहो क्या किसी की शादी कभी होती है। जब तक एक जैसे गुण नहीं मिलते तब तक विवाह नहीं होता, ये हिंदू मैथोलॉजी की बात। बंधुओं, इस तरीके से देश विदेश जाने का अवसर प्राप्त हुआ और शंभू शिखर हमारे बहुत छोटे भाई है, दबदार हमको गुरु कहते हैं, गंगा साहब पाणे हमारे परम मित्र हैं, अस्फाक मेनम मेमन जब भी चकाचक इनसे मिलते थे, भाई हमको मुद्रा दीजिए, इनसे कुछ रुपच लिया करते थे। बंधु मुख्तार साहब, अस्फाक भाई सबसे आज इतना शुभ अवसर प्राप्त हुआ मिलने का, बड़ा आनंद आया। और नगरों में देव किंतु यहाँ महादेव, और नगरों में देव किंतु यहाँ महादेव, इन्हीं महादेव ने ये नगर बसाया है, आनंद बन यह महाशमशान भूमि, सब यहाँ अपने है कोई न पराया है, माई अन्नपूर्णा परोस की खिलाती जहाँ, योगी और फक्करों पे जलती न माया है, रह शिव नंगा जहाँ बहती है गंगा, यहाँ साण जैसा कपियाज यहाँ चला आया है। इन्हीं शब्दों के साथ